एनसीबी ने मुंबई स्थित एसबी पथ एरिया के एक गोदाम से छुपाए गए लगभग 50 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किए हैं। यह नेटवर्क एक कार्टेल द्वारा चलाया जा रहा था। हमने कार्टेल के सरगना सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पहले भी इस कार्टेल के कुछ सदस्यों को हमने गिरफ्तार किया था। हमने एक ऑलरेडी एक केस गुजरात अहमदाबाद में रजिस्टर किया है। इस कार्टेल का सरगना पहले भी एक मैंड्रेक्स टैबलेट की तस्करी के लिए गिरफ्तार हो चुका है। ये दोनों जो गिरफ्तार हुए हैं वो मुंबई के निवासी हैं। जैसा मैंने पहले बताया, प्रारंभ में गुजरात में एमडी दवा की बिक्री के संबंध में एक जानकारी नेवल इंटेलिजेंस यूनिट जामनगर द्वारा साझा की गई थी। सूचना के आधार पे एनसीबी और नेवल इंटेलिजेंस यूनिट ने एक साथ मिलकर काम किया और संयुक्त रूप से काम करते हुए दोनों विभागों ने 3 अक्टूबर को गुजरात के जामनगर क्षेत्र में कार्टेल के 4 सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी की और उनसे 10 केजी करीब एमडी जब्त किया। इनमें इन गिरफ्तार 4 व्यक्तियों में से एक सोहेल गफार महिदा है, जो 2016 से 2018 तक एयर इंडिया में पायलट था। उसने सेंट एंटोनियो, टेक्सास, यूएसए और लिथुआनिया में उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और दूसरा व्यक्ति मुथु पिचाई दास एक हिस्ट्री शीटर है। उसको डीआरआई ने 2001 में 350 किलोग्राम मैंड्रेक्स टैबलेट की तस्करी में के आरोप में गिरफ्तार किया था। यह व्यक्ति 2008 से जमानत पर है।